मैं वाले और उनमें से 11 दिन जेल के निकाल हम डटे हुए हैं छतला और चट्टानों की तरह खड़े हुए हैं जैसे पहाड़ों की चट्टाने वहाँ पे खड़े हुए उस तरह खड़े हम सब आपको दोनों हाथों से सलूट है उसके लिए लव यू। यहाँ पे पख्तून भी हैं बलोची भी हैं सरेकी भी हैं पंजाबी भी हैं कहते हैं जी पटवारी कहते हैं यहाँ पे ये हो रहा है जी डांस की वीडियो आ रही है वो आ रही है सब फेक है बकवास है। इस वक्त हम इमरान खान की रिहाइश गाह के करीब मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन से हैं यहाँ पे? ये आज कोई हमें 65 दिन होने वाले हैं और उनमें से 11 दिन जेल के निकालने। कब तक प्लान है यहाँ पे आप? देखिए ये हमारे कायद जब तक हमें कहेंगे हम डटे हुए हैं इंशाल्लाह और चट्टानों की तरह खड़े हुए हैं जैसे पहाड़ों की चट्टाने वहाँ पे खड़े हुए उस तरह खड़े हम जब तक कहेंगे उतनी देर तक खड़े हुए इंशाल्लाह। यहाँ पे आज केक वगैरह चल रहे हैं पार्टीज हो रही हैं तो ये किस खुशी में? ये इलेक्शन की डेट मिली है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब आपको दोनों हाथों से सलूट है आपने आइन को बचाया और मुल्क पाकिस्तान के जो आइन की बहाली आपने की है उसके लिए लव यू चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के लिए। आप बहुत खुश हैं कि आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह के हुक्म से? पीडीएम ने तो फुल मुखालफत कर दी है। देखिए जब कोई भी मुखालफ होता है ना कभी भी इसको मुखालफ को कमजोर नहीं समझना चाहिए। 65 दिन बताएं आपने यहाँ पर रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ का आपने सिक्योरिटी का निजाम किस तरह का देखा का माहौल देखा आपने क्या फील किया? पहले तो मैं खुद सिक्योरिटी में हूँ यहाँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे दोस्ताना माहौल है फैमिलीज वाला माहौल है। यहाँ पे पख्तून भी हैं बलोची भी हैं सरेकी भी हैं पंजाबी भी हैं इस तरह जिस तरह सारे हम भाई मिलके गठे एक फैमिली वाला सिस्टम हुआ हुआ है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं है। माएँ भी हैं बहनें भी हैं हम सबको अब उसी तरह देखते हैं गाँव से जिस तरह अपनी माँ बहनों को देखते हैं उस तरह देखते हैं और फैमिली वाला माहौल है। यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी बिल बात नहीं है कि जिस तरह को कहते हैं जी पटवारी कहते हैं यहाँ पे ये हो रहा है जी डांस की वीडियो आ रही है वो आ रही है सब फेक है बकवास है। नून लीग वाले ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो कैंप लगे हुए हैं तो इन कैंप के हवाले से उन्होंने कहा कि इन्हें फंडिंग होती है कि फंडिंग कौन करता है कि वैसे ही अफवाह उड़वाई है। देखिए जी जब आपका दुश्मन होता है ना दुश्मन की हर वक्त ये चाल होती है कोई ऐसी बात करे कि जो सामने वाला बंदा उसको बिस्ट किया जाए। यहाँ पे कोई फंडिंग नहीं हो रही। मैं अपनी जाति आपको मिसाल देता हूँ मैं जेल में भी रह के आया हूँ यहाँ पे भी इतने दिन मुझे हो गए हैं 65 दिन हो गए हैं ठीक है। तो मैं अपनी जेब से अपनी पॉकेट से पेट्रोल जो ना वो डलवाता हूँ गाड़ी में ठीक है अपना खर्चा खुद यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे जितने लोग हैं सब ऐसी है जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए इफ्तार करवा रहे हैं और हर बंदा अपना खर्चा खुद कर रहा है कोई किसी को फंडिंग नहीं कर रहा ये सब फेक बात है झूठ है।